हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। केतु के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपके साथ केतु के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कुछ लाइंस जो मैंने अब से 2-3 साल पहले केतु के ऊपर लिखी थी। इन लाइंस में केतु के बारे में काफी अच्छा मैंने वर्णन करने की कोशिश की, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो लाइंस कुछ इस तरह से हैं, केतु की महिमा अपार, इसका ना कोई आधार, देवों में गणेश, नरों में ऋषि अगस्त्य महाराज, मंदिर में देखो झंडा, घर में देखो अंतिम द्वार। जो हमारे घर का एंट्रेंस गेट है वो राहु है और जो हमारे घर का लास्ट गेट होता है, जो छोटा गेट होता है, जो निकासी वाला रास्ता होता है, उसको केतु कहा गया है। घर की सुई केतु, सीने को धागा तैयार, यानी कि सुई का कारक भी केतु है और जो धागा है, क्योंकि धागा लंबी पतली चीज होता है, उसका कारक भी केतु है। हाथ में जो कलम केतु, भाषा में अंग्रेजी पर अख्तियार, पेन का कारक भी केतु है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका कारक भी केतु ही है। अपना कोई रूप नहीं, देख भाव राशि युति, देख भाव राशि युति करे रूप अख्तियार। पूजा का स्थान केतु, क्योंकि केतु बहुत ही शुभ ग्रह है, पूजा का स्थान कहा गया है, केतु ही मल का द्वार। जीवन की बड़ी बाधा केतु, यानी कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, वो सारे केतु के कारक तत्वों में आते हैं। केतु ही शुभ वेद मंत्र आधार, केतु क्योंकि मंत्रों का कारक है, मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, तो इसलिए केतु ही बाधा है और केतु ही बाधा का निवारण करने वाला ग्रह है। यानी कि वेद मंत्र, जब भी हम किसी को कोई उपाय बताते हैं जर्नली, हम उससे कहते हैं भाई आप ये मंत्र पढ़िएगा, आप इस देव की पूजा कीजिएगा, तो वो भी केतु ही है। मोक्ष का कारक केतु, ज्ञानी का श्रृंगार, यानी कि केतु हमारी शिखा का, चोटी का कारक है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, वो अपने सिर पर यहाँ पर एक चोटी रखते हैं, उसका कारक भी केतु ही है। महिमा इसकी लिखी ना जाए, केतु ही नवजीवन संचार। ये कुछ लाइंस थी जो मैंने आपसे कुछ साल पहले केतु के बारे में लिखी थी। होपफुली आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।